क्वेश्चन नंबर फोर सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहां पर जो दो आइडेंटिटीज है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद है सेकंड आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर आते हैं पहले पार्ट पर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेकंड आइडेंटिटी माइनस वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। यहां पर x के बदले है ए स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर एक्स और y के बदले है बी स्क्वायर। मैं लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यानी x के बदले है ए स्क्वायर यानी x, ठीक है, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स के बदले हैं ए स्क्वायर, वाई के बदले हैं बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के बदले क्या है बी स्क्वायर। तो ये बनेगा ये वाई है और इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए रेज पावर, पावर के ऊपर दूसरा पावर ये मल्टीपल हो जाएंगे टू टू दर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज पावर टू इंटू टू बी रेज पावर फोर विच इज द आंसर। सेकंड पार्ट पर आते हैं, यहां पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर यानी दोनों आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। यहां पर करेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर, यहां पर करेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर। मैं लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटीज x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड दूसरी आइडेंटिटी कौन है x माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर जो हमारे पास टू एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर ये बनेगा, यहां पर करेंगे पहली वाली यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर, x के बदले है टू एक्स वाई के बदले है फाइव, ये बनेगा एक्स स्क्वायर यानी टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स इंटू वाई यानी टू एक्स इंटू वाई हो गया फाइव प्लस वाई स्क्वायर यानी फाइव स्क्वायर प्लस अब ये सॉरी माइनस है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर यानी टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स के बदले हैं टू एक्स वाई के बदले हैं फाइव प्लस वाई स्क्वायर यानी फाइव स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा टू स्क्वायर हो गया फोर और एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर फाइव जा ट्वेंटी एक्स ट्वेंटी एक्स प्लस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। ये माइनस प्लस और माइनस माइनस बनेगा टू एक्स स्क्वायर हो गया टू स्क्वायर हो गया फोर और एक्स स्क्वायर ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा टू टू जा फोर फाइव जा ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा फाइव स्क्वायर बनेगा ट्वेंटी फाइव। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर देखिए प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स कैंसिल प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव कैंसिल हो जाएंगे फिर क्या बचा ये लाइफ टर्म्स है ट्वेंटी एक्स कितना बना फोर्टी एक्स तो फोर्टी एक्स इसका आंसर है। थर्ड पार्ट पर आते हैं, यहां पर भी यही दो आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है ये दो। तो ये क्या बनेगा एक्स प्लस ये पहले एक्स माइनस वाई यानी एक्स माइनस वाई एक्स एक्स के बदले है सेवन एम और वाई के बदले एट एन तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर यानी सेवन एम स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई टू इंटू सेवन एम इंटू एट एन प्लस वाई स्क्वायर एट एन, ठीक है। इसके बाद ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ये वाली यानी ये एक्स है ये वाई है तो बनेगा एक्स स्क्वायर यानी एक्स के बदले है सेवन एम स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टू एक्स वाई टू इंटू एक्स के बदले सेवन एम वाई और y के बदले 8 n प्लस y स्क्वायर के बदले 8 n स्क्वायर। सो ये बनेगा यहां पर ये 7 m स्क्वायर माइनस 7 m स्क्वायर नहीं सर ये तो प्लस है दोनों ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे ये पॉजिटिव है दोनों टर्म्स पॉजिटिव है ये माइनस 2 7 m 8 n प्लस 2 7 m 8 ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये हम क्या बचा सेवन एम स्क्वायर हो गया फोर्टी नाइन और एम स्क्वायर
प्लस एट स्क्वायर हो गया 64 और एम स्क्वायर भी है प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और एम स्क्वायर प्लस आखिर पर 64 यानी 8 स्क्वायर हो गया 64 एम स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू लाइक टर्म्स एम स्क्वायर 49 प्लस 49 कितना बनेगा 98 एम स्क्वायर यहां पर एम स्क्वायर लाइक टर्म 64 प्लस 64 128 एम स्क्वायर सो 98 एम स्क्वायर प्लस 128 एम स्क्वायर आंसर आएगा फोर्थ पार्ट पर आते हैं यहां पर दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं दोनों बार ये यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई यानी प्लस है दोनों बार विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर देयरफॉर ये जो 4m प्लस 5n होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n होल स्क्वायर ये बनेगा पहले ये टर्म यानी ये एक्स है ये वाई है ये एक्स स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर प्लस 2x एक्स वाई 2 इंटू 4m इंटू 5n 2 इंटू 4m इंटू 5n प्लस वाई स्क्वायर यानी 5n स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म अब ये एक्स है ये वाई है ये बन गया एक्स स्क्वायर यानी 5m स्क्वायर प्लस 2x एक्स एन 2 इंटू एक्स के बदले 5m और वाई के बदले 4n प्लस वाई स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर सो ये बनेगा 4m स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर हो गया 16 और m स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 5 जा 40mn 40mn प्लस 5 स्क्वायर बनेगा 25 और n स्क्वायर प्लस ये 5m स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर हो गया 25 और m स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 10 4 जा 40mn प्लस 4 स्क्वायर हो गया 16 और n स्क्वायर ठीक है अब लाइक टर्म्स ऐड करने हैं ये m स्क्वायर है ये m स्क्वायर यहां पर है कोएफिशिएंट 16 यहां पर 25 तो 16 प्लस 25 41 m स्क्वायर इसके बाद mn mn है mn यानी लाइक टर्म्स 40 प्लस 40 हो गया यहां पर कोएफिशिएंट है 40 यहां पर 40 40 प्लस 40 80mn इसी तरह से अब लाइक टर्म्स n स्क्वायर यहां पर n स्क्वायर ये ऐड हो जाएगी 25 और 16 41 41 n स्क्वायर व्हिच विल बी द आंसर और 2.5p minus 1.5q whole square minus 1.5p minus 2.5q whole square यहाँ पर minus minus वाली identity apply करनी है using identity x minus y whole square दोनों बार वो बनेगा x square minus 2y x y plus y square therefore 2.5p minus 1.5q whole square minus 1.5p minus 2.5q whole square will be equal to पहले ये x minus y whole square बनेगा x square यानी 2.5p square minus 2xy 2 into 2.5p into 1.5q plus y square यानी plus 1.5q square अब minus है अब यहां पर भी ये फार्मूला लगाना है यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x माइनस y यानी ये बने 1.5p होल स्क्वायर माइनस 2p 2xy यानी 2 इनटू x के बदले 1.5p y के बदले 2.5q प्लस y स्क्वायर यानी 2.5q होल स्क्वायर तो ये बनेगा 2.5 इनटू 2.5 क्या कितना बनेगा 6.25p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5 ये बनेगा 2 इंटू 2.5 पी इंटू 1.5 क्यू कितना बनेगा 7.50 7.5 पी क्यू प्लस 1.5 क्यू होल स्क्वायर ये बनेगा 2.25 2.25 और क्यू स्क्वायर माइनस है यहां से डायरेक्ट हम माइनस से मल्टीपल भी करेंगे एक तो ये माइनस इंटू प्लस बनेगा माइनस 1.5 इंटू 1.5 कितना बनेगा 2.25 2.25 पी स्क्वायर अब माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस 2 इंटू 1.5 पी इंटू 2.5 क्यू कितना बनेगा 7.5
अब आखिर पर 2.5 क्यू होल स्क्वायर, 2.5 क्यू स्क्वायर, ये बनेगा 2.25 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब लाइक टर्म दोनों है, यहां पर पी स्क्वायर है, यहां पर पी स्क्वायर है, ठीक है। 6.25 पी स्क्वायर यहां पर है, 2.25 नहीं सॉरी ये 2.25 पी स्क्वायर है, माइनस करना है, यानी 6.25 से 2.25 माइनस करना है, वो बनेगा 4.0 यानी 4 फिर पी स्क्वायर, ठीक है। अब लाइक टर्म ये बी क्यू है और यहां पर बी क्यू है, यानी ये लाइक टर्म है, माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 7.5 पी क्यू, एक टर्म कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस है। अब क्यू स्क्वायर है, देखो यहां पर क्यू स्क्वायर है, यहां पर ये दोनों पॉजिटिव यानी ऐड करना है, 2.25 प्लस 2.25 कितना बनेगा, 4.50 क्यू स्क्वायर, तो 4 पी स्क्वायर प्लस 4.5 क्यू स्क्वायर इसका आंसर है। सिक्स्थ पार्ट, यहां पर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये प्लस है यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर विच इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर ये जो ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर है माइनस 2x ए बी स्क्वायर सी, देखो यहां पर एक्स ए बी के बल है एक्स बी सी के बल है वाई, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी एक्स स्क्वायर क्या बल क्या है ए बी यानी ए बी स्क्वायर प्लस 2x वाई यानी 2 इंटू एक्स के बल है ए बी y के बदले बी सी प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यानी बी सी स्क्वायर, ठीक है हो गया ये। अब माइनस 2x a b स्क्वायर c, सो ये क्या बनेगा, ये a स्क्वायर है और b स्क्वायर है यानी a का स्क्वायर भी b का स्क्वायर भी प्लस 2x a b into b अंडर मल्टीप्लिकेशन पावर्स गेट एडेड b into b b स्क्वायर और ये c है प्लस ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस है टू वाइज ए बी स्क्वायर सी। अब लाइक टर्म्स कहां पर है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां पर कहीं नहीं है, सो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रहेगा एज इट इज, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी यहां पर प्लस 2 माइनस इसका मतलब कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या बचा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है तो इसका आंसर रहेगा। सेवंथ पार्ट पर आते हैं, यहां पर माइनस वाली आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर विच इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाइज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर ये जो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम होल स्क्वायर प्लस टू वाइज एम क्यूब एन स्क्वायर, ये बनेगा ये एक्स है ये मानो ये वाई है, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स के बने एम स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर माइनस टू वाइज एक्स वाई टू वाइज एक्स के बने एम स्क्वायर वाई के बने एम स्क्वायर एम प्लस वाई स्क्वायर प्लस यानी एम स्क्वायर एम ये वाई है इसका स्क्वायर, अब प्लस है टू वाइज एम क्यूब एम स्क्वायर, इसको मैं रब करता हूं फिर क्या बनेगा ये एम स्क्वायर होल स्क्वायर यानी एम स्क्वायर इंटू स्क्वायर 2 × 4 माइनस 2 ये एम स्क्वायर है एम स्क्वायर इंटू एम यानी ये बनेगा 2 + 1 = 3 मल्टीपल में है और बेस भी सेम है 2 एम इंटू एम स्क्वायर इंटू एम बनेगा एम क्यूब और एम स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर होल स्क्वायर यानी स्क्वायर 2 × 2 हो गया 4 और एम का स्क्वायर भी है प्लस 2x एम क्यूब एम स्क्वायर, देखो यहां पर एम स्क्वायर है एम रेज पर 4 है ये एम क्यूब एम स्क्वायर एम क्यूब एम स्क्वायर लाइक टर्म्स है ये माइनस 2 प्लस 2 इसका मतलब लाइक टर्म ये कैंसिल हो जाएगी फिर क्या बचा एम स्क्वायर एन रेज पावर 4 एम स्क्वायर इसका आंसर रहेगा।